नीरव मोदी से जुड़े मामले की जांच और भी आक्रामक रूप लेती जा रही है। LOU के जरिए देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी ने 12,700 करोड़ का घोटाला किया था। पिछले हफ्ते ही नीरव मोदी की पुरानी लॉ फर्म पर छापेमारी कर इस संबंध में कुछ अहम कागजातों को जब्त किया गया था। आपको बता दें कि PNB धोखाधड़ी मामले में भारतीय अधिकारियों की ओर से की जा रही जांच के रूप में सामने आया है कि नीरव मोदी के राजस्व वाली कंपनी फायर स्टार डायमंड ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में दिवालिया होने की अर्जी दी है। उसने अपनी मौजूदा स्थिति के लिए नकदी व आपूर्ति श्रृंखला में दिक्कतों को जिम्मेदार बताया है। अदालत में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार कंपनी ने $10 करोड़ के कर्ज का जिक्र किया है। नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक में हुए फ्रॉड मामले के मुख्य आरोपी हैं। PNB ने सोमवार को जानकारी दी थी कि यह पूरा घोटाला $204 मिलियन से $2 बिलियन तक जा सकता है। वहीं मंगलवार को PNB के शेयर 20 महीने के निचले स्तर पर आ गए थे। गौरतलब है कि PNB के बाद अब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी घोटाले उजागर हुए हैं, जिनकी जाँच की जा रही है।